नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और अब एक लंबा सिलसिला निकल आया है जब वीकेंड पर हम आपकी मुलाकात कराते हैं देश के जाने माने कलाकारों से। और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको दिखाई दे रही हैं नम्रता राय जी, जो इस देश की जानी मानी कथक नृत्यांगना है। तो सबसे पहले नम्रता जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत, आपने रागगिरी के लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच शिवेंद्र जी, और थैंक यू रागगिरी कि मुझे आज आपने वीकेंड सीरीज के लिए याद किया। थैंक यू। तो बातचीत का सिलसिला तो परंपरागत तरीके से ही शुरू करते हैं। और जितना मैं जानता हूं आपके पूरे सफर के बारे में, आपके घर में कोई ऐसी नृत्य की परंपरा थी नहीं, ऐसा नहीं था कि कोई बरसों बरस से नृत्य की परंपरा चली आ रही हो। ऐसे एक परिवार में जन्म लेने के बाद कथक करना है, ये ख्याल कैसे आया आपके जहन में? मुझे याद है देहरादून में मैं शायद बहुत ही छोटी थी और महाराज जी का एक कॉन्सर्ट था। वो टाउन हॉल है अपना एक बहुत, और महाराज जी वहाँ प्रस्तुति दे रहे थे और वो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग गया कि मुझे नहीं पता कि मेरे मन में क्यों आया कि मुझे यही सीखना है। और मैं अपनी माँ से जिद करने लगी तो उन्होंने बोला कि डांस वांस जो है ठीक नहीं होता है, गाना सीख लो। तो हुआ ये कि शुरुआत में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय में मेरा एडमिशन कराया गया गायन में। तो गायन की क्लास स्किप करके हम डांस की क्लास में चले जाते थे और वहां पे मैं बहुत भाग्यशाली रही कि स्वर्गीय डॉक्टर मधुकर आनंद जी, जिनके साथ मैंने 14 साल सीखा उनके सानिध्य में, और वहां पे गुरु जी जो है शुरू से, बाद में 2 साल 3 साल बाद उनको जाके पता चला कि भाई ये स्टूडेंट तो गायन की स्टूडेंट है, ये कथक सीख रही है। तो फिर ये हुआ कि घर में आप जो है मत बताइएगा क्योंकि माय फादर, माय सब, हर कोई हमारे घर में पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। माय फादर वाज इंग्लिश लेक्चरर। तो ऐसा हुआ कि भाई डांस करके क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट अ प्रोफेशन, यू कांट मेक दिस एज अ प्रोफेशन, आप हॉबी की तरह सीखिए इसको, सीखना है तो। इस तरह से हुआ, लेकिन वो हॉबी कब पैशन में कन्वर्ट हो गया, कब प्रोफेशन में हो गया, वो मुझे लगता है वो शायद भगवान की इच्छा थी कि हमें इस क्षेत्र में डाला और निभा पा रहे हैं। गुरुओं का आशीर्वाद, बड़े लोग जितने संगतकार हैं मेरे, उनका आशीर्वाद लेके हम आज इस जर्नी में हैं। अच्छा, ये जो कलाकारों के बचपन को जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी होती है, मतलब जैसे हम लोग थे छोटे थे तो पतंग उड़ाते थे, पेड़ से अमरूद चोरी करके लाते थे, भाई बहनों की शिकायत कर दिया करते थे, पढ़ाई से चीज उड़ाते थे। ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये भी बचपन में ऐसे ही होते हैं या इनका बचपन थोड़ा अलग होता है? ये शरीफ होते हैं, बहुत ही सुसंस्कृत होते हैं, आप क्या बदमाशी करती हैं? हमने देहरादून की लीचियां बड़ी फेमस है ना, लीचियों के बाग बहुत होते थे, हमने लीचियां चुरा चुरा के भागे हैं। घर में आके कंप्लेंट भी होती थी, और मेरे बड़े भाई हैं तो, और वो होते थे कि लीची तोड़ना और पीछे साइकिल पे बैठ जाना, मैं आगे निकल लूंगा तो ये काम हमने बहुत किए हैं। हमारे घर के आसपास में बड़े लीची के बाग थे तो ये बदमाशियां बहुत करी हैं। साथ में डांस सीखते सीखते भी बहुत बदमाशियां करी हैं। छोटे तो थे ही हम, जैसे ही गुरुजी बोले कि मैं अभी आ रहा हूँ, तत्काल चलता रहना चाहिए, तो हमारे साथ के 4-5 जितने भी बैच के लोग थे, हम लोग फटाफट घुंघरू उतारे और एक बहुत फेमस जगह थी पास में, बनटिक्की मिलती थी वहां से, 3 रुपए की बनटिक्की तब मिलती थी, वो लेके आके, और जैसे ही शुरू होते थे तब तक गुरुजी वापस, वो जो चौकियां होती थी ना हम लोगों के रियाज के समय में, हम ऐसे स्लाइड करते थे उनको बदमाशियां तो बहुत करी है। अच्छा नम्रता, मुझे एक चीज और बताइए, जैसे आपने कहा अभी कि माँ ने कहा कि डांस मत करो, गाना सीख लो, क्या करोगी डांस करके, तो थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपके पिता, आपकी माँ, ताकि उससे समझ में आए कि किस तरह से फिर ये जो आपका जब पैशन बना और जिस तरह से फैमिली का सपोर्ट आगे जाकर मिला होगा, तो वो बैकग्राउंड अपनी फैमिली का जरूर बताइए। मेरे पिताजी तो इंग्लिश लेक्चरर रहे, तो उनको हमेशा एक इच्छा थी कि मैं पढ़ाई में ही आगे जाऊं। आई एम अ साइंस ग्रेजुएट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने MBA का भी प्रिपरेशन किया, आई क्लियर्ड कैट ऑलमोस्ट। जब हो गया कि भाई अब कॉलेज में फीस जाने वाली है, तो वहां डिसीजन लेना मेरे लिए इतना मुश्किल हुआ, और 2008 में गुरुजी का देहांत हो गया, वो समय था जो मुझे हिला दिया अचानक से। मुझे लगा कि हम लोग सबसे पहला बैच थे
भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के, जब गुरु जी की पोस्टिंग हुई वहां पे, तो उससे पहले वहां कथक था ही नहीं। तो एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डोंट नो कहाँ से दिमाग में आनी शुरू हुई, क्या हुआ। तो वहां पे तो मेरा डिसीजन था कि नहीं, अब मुझे डांस ही करना है। उससे पहले मेरे ब्रदर हैं, सो दे आर ऑल इनटू आईटी, मेरी बहन है वो भी आईटी में है, तो मैं ही एक अलग निकल गई और उसके लिए मुझे लड़ना तो पड़ा। उसके बाद 2007 में बाय चांस, जो कहते हैं भगवान भी साथ देता है, मुझे ऑफर मिला वेलहम गर्ल्स स्कूल से एज अ टीचर। सो आई ऑप्टेड दैट कि भाई माँ बाप को शांत तो करना ही है, उनको खुश करने के लिए साइंस ग्रेजुएशन भी कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी पढ़ लिया, कि भाई हम बेवकूफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आर्टिस्ट, मतलब डांस में है इच्छा तो ये नहीं है कि पढ़ नहीं सकते। तो वो प्रूव जहां तक करना था, जिस समय तक करना था, वो हमने पूरा प्रूव किया अपने आप को। उसके बाद फिर इधर आ गए, और उसके बाद 2-3 साल बाद मुझे लगा नहीं, जॉब नहीं करनी मुझे, वो आर्टिस्ट तो मर जाता है जॉब करके, तो वो छोड़ा। तो मेरे पिताजी फिर बोलना शुरू कर दिए अब क्या करेंगी आप। तो हमने बोला कि अब फिर जाके ICCR का मुझे एक टेन्योर मिला 2010 में। तो मैं साउथ अमेरिका में डेप्यूटेड थी, 2 साल मैंने वहां काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, जिसको कहते हैं आज भी लोग याद करते हैं, अच्छा लगता है। करेबियंस में जितनी सेंट लूसिया वगैरह में जितना भी था, मैंने कथक को बहुत स्टैब्लिश किया। नेशनल कार्निवल में मैंने एक पूरा एक सेक्शन कोरियोग्राफ किया, ग्लोरी ऑफ गैंजीज करके था वो, और उस टाइम में उनको फर्स्ट प्राइज भी मिला, जो नेशनल कार्निवल्स होते हैं हमारे कैरेबियन में। तो वो दैट वाज ऑल कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सेमी क्लासिकल डांस, कथक डांस, एंड दैट वाज ब्यूटिफुली, मतलब लोगों ने इतना एक्सेप्टेंस उसको इतना अच्छे से वो किया, आई वॉज वेरी हैप्पी। सो दिस वॉज ऑल स्ट्रगल करते गए। वहां से फिर वापस लौटे तो पिताजी का फिर एक सवाल था, अब क्या करोगी। तो वो निरंतर चलता ही रहा। मुझे लगता है एक टाइम के बाद मेरी रिदम सोसाइटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक मैंने अपनी सोसाइटी चलाई, अभी उसमें गीत गोविंद हमने प्रेजेंट किया था, 10वां साल था उसका, म्यूजिकल बैले, तो वो प्रेजेंट किया, मैंने पापा मम्मी को बुलाया, आप लोग स्पेशली देखने आइए। देन काइंड ऑफ ही वॉज अश्योर्ड कि अच्छा बेटी जा रही है, ठीक ही जा रही है, करेगी, मतलब कर रही है। So he was kind of satisfied that this can also be a profession. It is not that aap bilkul hi kya karenge. And I have students, main Dehradun bhi jaake sikhati hu, Delhi mein bhi mere center hai, wahan bhi koshish meri rehti hai jitne bhi naye bachche hain unko kathak sikha sakun. To jab 15-16 saal ki aap rahi hongi aur ghar mein daant maant padti hogi to kya karti thi? Gusse mein khana nahi khati thi ya cheeze todti phodti thi? Kaise virodh kaise dikhati thi? Naraaz ho gaya chupchap khana nahi khaya ek din? नहीं नहीं विरोध में ऐसा होता था कि ज्यादा काम करके दिखा दो। अच्छा। ये था मेरा मेरा उल्टा था, पढ़ाई भी कर लो, आप मम्मी को खुश करने के लिए झाड़ू पोछा भी कर दो, बर्तन भी कर दो, सब्जी काट के रख भी दो कि खुश हो जाएंगी कि सब कुछ कर रही है, अब डांटेंगे किस बात पे। और मुझे आई एम श्योर हर आर्टिस्ट इस बात पे राजी होगा, कभी कभी ऐसा भी मौका आता है हम बाथरूम में भी तत्कार कर रहे होते हैं खड़े होके, तो वही टाइम होता था कि बात तो मम्मी का नॉक करते थे, कर क्या रहे हो अंदर, क्या बोलेंगे। तो वो वाला फेज भी निकला है और सबके साथ आता है मुझे लगता है, ये एक जो आपको जुनून चढ़ता है सीखने का। अच्छा नम्रता, हम लोग जैसे आपने देहरादून की आपकी परवरिश है, हम लोग इलाहाबाद से हैं, हम लोग के साथ ना वो परिवार का एक एक बैकग्राउंड चलता है, यार ये ठाकुर साहब का बेटा है, इसका बड़ा भाई जो है वो इंजीनियर है, इसका भाई ये बड़ा वाला बैंक में काम करता है, बहन जो है वो मेडिकल की तैयारी कर रही है। तो जब आपके अड़ोस पड़ोस में आप जब निकलती रही होंगी स्कूल जाने के लिए या स्कूल पास करने के बाद, तो ये नहीं होता था कि देखो यार ये तो एक भाई तो आईटी में है, दूसरी बहन अच्छी है पढ़ने में, इसको पता नहीं कहाँ से डांस का भूत सवार है। और फिर वो आके कहते भी होंगे अपने आपके फादर से कि ये भाई साहब क्या करा रहे हैं आप बिटिया को। ये होता था, हमारे अड़ोसी पड़ोसी बड़े अच्छे थे, वो मैं एक एग्जाम्पल हुआ करती थी पड़ोस में, देखो कितना काम करती है, पढ़ाई भी कर रही है, डांस भी कर रही है। अच्छा। पर घर में ये जो था ना, ये जो हमारे और पापा के जितने भी वो शिक्षक गण था पूरा, जब बैठता था ना, नहीं 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 ये तो आप ठीक नहीं है, ये वो वाला टाइम भी आप इससे ले लेंगे तो और अच्छा कर लेगी पढ़ाई में। लेकिन सच्चाई ये है, मुझे जो आज फील होता है, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी आज यही बोलती हूँ, कभी कभी बोलते हैं मैम मैथ्स आप नहीं जानते,
मैं बोलती हूँ भाई आई एम ग्रेजुएट, यू नो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से हमने सब पढ़ा है, सब कुछ पार किया है, अच्छा फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक आर्ट जब आप अपने साथ लेके चलते हैं ना, वो एक अलग तरह का पर्सनालिटी आपका बना देता है, एकाग्रता जिसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, मुझे लगता है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। सिर्फ पढ़ाई मुझे लगता नहीं है कि मैं तो सारे पेरेंट्स को आज यही समझाती हूँ कि प्लीज प्लीज आपको जरूरी नहीं है आपको कथक ही करवाना है, आप कोई भी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक वोकल, पर क्लासिकल आजकल तो इतनी जुम्बा क्लासेस हो गई हैं और पता नहीं कितनी हो गई हैं, आई फील कि ठीक है एक स्तर तक ठीक है, पर आगे अगर आपको अपनी संस्कृति भी रखनी है मुझे लगता है बहुत जरूरी है। अच्छा नम्रता, एक एक सवाल और हम जरूर जानना चाहेंगे, और ये हम इस इंटरव्यू सीरीज में कोशिश भी करते हैं कि कलाकार के गुरु के बारे में भी विस्तार से बातचीत की जाए, और कलाकार भी अपने गुरु के बारे में विस्तार से बात करना चाहते हैं। आपकी फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं था, और इस बात के साथ आप पहुंची मधुकर आनंद जी के पास, तो वो जो उन्होंने आपको जो इनिशियल ट्रेनिंग दी, वो ट्रेनिंग कैसी रही, वो किस तरह का उनको गुरु के तौर पर आप कैसे मतलब देखती हैं, ये जरा बताइए हमें। मैं आपको पहले भी बोला भाग्यशाली थी मैं कि गुरुजी वहां पर आए उस समय में, वरना वहां पे कथक तो है ही नहीं। आज भी मैं बोलती हूँ उनके जाने के बाद कोई जगह नहीं ले पाया उनकी देहरादून में। तो जो मेरी शुरुआत हुई 96 में मैंने सीखना शुरू किया उनसे, और मुझे लगता है वो सीखते सीखते शुरुआत में तो आप एज अ गुरु थोड़ा सा डर होता है भाई गुरु जी उधर गए तो हम इधर गए, उधर गए तो इधर आए, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते ना मुझे लगता है एक गुरु आपके पिता से भी ऊपर हो जाते हैं, जो मेरी फीलिंग थी। बिल्कुल मतलब हर एक शेयरिंग, कहाँ पे तकलीफें आ रही हैं, रियाज नहीं हो पा रहा है घर में, क्यों नहीं हो पा रहा है, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो वो उनका जो एक गाइडेंस था, क्योंकि गुरु जी भी हमारे साइंस के MSc थे वो, तो वो हमेशा कहते थे कि हमने पूरी पढ़ाई करी है आप भी करिए, तो ये बहुत एक बड़ा फैक्टर था उनका कि आप दोनों चीजें चला सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप खुश कर दो, उन्हीं का ही होता था कि भाई जो काम में माँ बाप बोल रहे हैं आप कर दो उसको खत्म कर दो, फिर वो चीज ही नहीं रह जाएगी, आप प्रैक्टिस करिए फिर कुछ भी करिए। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा सपोर्ट होता है गुरु का, द गाइडेंस कैसे आप गाइड करते हैं, और मेरे लिए तो वो पिता समान ही हो चुके थे इतने समय में, मतलब ही वॉज लाइक अ फ्रेंड अ फादर आप, और वो जब गए तो तभी मैंने आपको बोला वो इतना बड़ा वैक्यूम आ गया जिंदगी में कि कभी सोचा ही नहीं था। आई स्टिल रिमेम्बर मेरी एक फोटो है गुरु जी के साथ, सोचिए 14 साल सीखा मैंने उनसे, फोटो ही नहीं है, तो आई फील कि कभी सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। तो होता है कई बार। और जब एक्चुअल समझ आई कि अब चीजों से छूट गए हैं, पढ़ाई एक तरफ हो गई है, अब एक्चुअली इस आर्ट में डीपली घुस सकती हूँ मैं, तब गुरु जी ही चले गए। उसके बाद मेरे गुरु रहे पंडित उदय मजूमदार जी, उनसे मैंने सीखा, अभी अभी भी सीख रही हूँ मैं ताल, क्योंकि पंडित रविशंकर जी के बहुत ही सीनियर डिसाइपल रहे हैं वो, और उनसे सीखने के गुरु जी से छूटते ही मुझे वहां जाने का, मुझे मेरा फर्स्ट टूर था 2008 में स्विट्जरलैंड में ही, मॉनसून डांस एक प्रोजेक्ट था, उन्हीं का ही कॉन्सेप्ट था, और जब मैं गई तो पहले साल तो कुछ नहीं होता, आप भी गुरु बनाने में थोड़ा डरते हैं, इतने साल एक किसी के साथ आप होते हैं, वो जो जुड़ाव होता है वो, फिर उनके पास दूसरी बार मैंने टूर किया दूसरे साल, तब फिर मुझे धीरे धीरे एक होता है ना एक सपोर्ट, एक फादरली फीलिंग आई फेल्ट दैट, और फिर वहां उनसे सीखना शुरू हुआ तो चलता ही गया सिलसिला। अच्छा नम्रता, आप बातचीत को और आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अपने किसी नृत्य के बारे में किसी कार्यक्रम की झलकियां दिखाएं, और थोड़ा सा बताएं भी उसके बारे में कि वो दरअसल वो नृत्य है क्या। मेरा एक प्रोजेक्ट है रेड, जो कि कॉन्सेप्ट जो है गुरुजी का ही रहा, पंडित उदय मजूमदार जी का, और वो है एक भारतीय नारी के लिए एक लाल रंग कितना सिग्निफिकेंट है उसकी जिंदगी में। हम छोटे होते हैं तो होली के रंग होते हैं लाल, इट्स सो ब्यूटिफुल, एक नॉटिनेस भरी होती है, जैसे ही आप थोड़े बड़े होते हैं द रेड कलर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद पैशन रोमांस, फिर आप आते हैं एक ब्राइड, हमारे इंडियन कल्चर में एक दुल्हन हमेशा ही लाल साड़ी में देखी जाती है,
सिंदूर का रंग लाल है, बिंदी का रंग लाल है, तो वहां से उसको एक तरह से हमने कॉम्पोजिशन इस तरह की लेके एक काइंड ऑफ दिखाया है हर पड़ाव पे एक महिला का किस तरह से बड़ा होता है। और आखिरी में हम दिखाते हैं कि दुर्गा शक्ति जो है वो भी लाल है। तो इस तरह से एक रेड बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है और आप क्लिप्स देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा आई एम श्योर। रेड प्रोजेक्ट की जो क्लिप्स आपने अच्छा हुआ हमें बताया, और बताने के बाद मैं इसलिए कहता हूँ ये बात की थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं जिनको शौक तो होता है लेकिन उन्हें ग्रामर नहीं पता होती म्यूजिक की या डांस की, उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। नम्रता जी के साथ इस बातचीत में अभी वक्त है एक ब्रेक का, कल रात ठीक 10 बजे एक बार फिर जुड़िएगा हमारे साथ और देखिएगा इस बातचीत का दूसरा हिस्सा।